है जहां से खुशबू। अब सुनो जरा प्यार से, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। बोलो ना, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, दिल की तख्तीब मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। इंशाल्लाह तुम्हें छोड़ने तबीयत तो नहीं जा रही है, इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी तो फिर मुलाकात। मैं दुआएं करता हूँ अल्लाह इसमें बहारें अता फरमाए, और ये जो इन्होंने कदम उठाया मौला साबित कदम रखे इनको, और इसमें खूब खूब बरकतें अता फरमाए। तुम लोग अपने माल से भी जुड़ो और अपनी जात से भी जुड़ो, समझ में आ रही। अच्छे काम वालों की मदद किया करो, अच्छे काम करने वालों का साथ दिया करो, समझ में आ रही। बुराइयों का खात्मा हर आदमी समझ ले, सोच ले, इंशाल्लाह हमारे घर का हर बच्चा हर बच्ची इंशाल्लाह पढ़ी मिलेगी, बच्चा पढ़ा हुआ मिलेगा, बच्ची जब हमारी पढ़ जाएगी तो उसे मालूम होगा शौहर के हुकूक क्या होते हैं, सास के हुकूक क्या होते हैं, ससुर के हुकूक क्या होते हैं, जब माँ बने तो बच्चों के हुकूक क्या होते हैं, तरबियत क्या होती है, समझ में आ रही। साथ दोगे इन लोगों को और हमारा सबको, बोलो इंशाल्लाह। मैंने कुछ बातें बीच में कर्री भी बोल दी, माफ करना मुझे, किसी को तकलीफ नहीं देना, जलील नहीं करना, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, सिर्फ इसलिए इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई, इसलिए मैंने कर्री बातें कड़वी दवा पिलाई कहीं कहीं ताकि जरासीम खत्म हो जाए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के रास्ते पर मत चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इंशाल्लाह बोलो आज से नमाजों की पाबंदी करेंगे, बुराइयों से बचते रहेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।